हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 6 की, जो कि 5 अगस्त के लिए जारी किया गया है। कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं हमारा प्राणियों में पोषण, और उसमें आज हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों, तो बच्चों जब हम बात करेंगे पाचन की, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग जो जीव जंतु हैं वो अलग अलग भोजन करते हैं। जैसे कि पत्तियाँ बकरी खाती है, मछली को बगुला खाता है और मांस शेर खाता है। यानी कि भोजन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्राणियों के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि भोजन करते क्यों हैं, जंतु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, करते क्यों हैं और कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर इस बारे में हम पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि भोजन प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी न किसी तरह से पौधों के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि कुछ प्राणी सीधे ही पौधों को भक्षण करते हैं, वो कहलाते हैं शाकाहारी, जबकि अन्य जीव जंतु जो उन जंतुओं को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। यानी कि कुछ जंतु पौधे और एवं जंतु दोनों को खाते हैं। यानी क्या हो गया बच्चों, पहली कैटेगरी होगी शाकाहारी, दूसरी मांसाहारी, जैसे कि हमने पिछले कार्य का तर्क चलाने की कोशिश की थी, और आखिरी में आती है सर्वहारी, जो कि दोनों जंतु और पौधों को खाते हैं। पिछली कक्षाओं में आप इस बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये तो बात हुई भोजन प्राप्त करने की, बात आती है भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर के एवं स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्राणियों में पोषण पोषक से में पोषक तत्वों की आवश्यकता जो होती है आहार के अंतर्ग्रहण के द्वारा, यानी भोजन के अंदर ग्रहण करने के द्वारा, इस विधि से शरीर में उपयोगी जो सामान है वो अंदर चला जाता है और शरीर चलने लायक बना रहता है, स्वस्थ रहने लायक हो जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो पोषक तत्व जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं वही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये भोजन के संघटक हैं और पोषक तत्व के साथ साथ ऊर्जा और शरीर में वृद्धि करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब इसमें जो सबसे जटिल संगठक है वो है कार्बोहाइड्रेट। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, तो इसलिए इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। इसी सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। यानी कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। बच्चों, अब बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर की। तो पहला प्रश्न है, 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। तो वह 3 जीव जो पौधे खाते हैं वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बकरी, गाय और भैंस। ठीक है बच्चों, ये 3 जीव लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 2 है, डैश तथा वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें इन चीज़ों की, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पाचन से आप क्या समझते हैं। तो पाचन क्या है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है। तो जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने और शरीर की वृद्धि के लिए होती है। बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।